स्टूडेंट्स वेलकम बैक। दिस इज पार्ट टू ऑफ चैप्टर सिक्स दैट इज लाइफ प्रोसेस। ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने डिटेल से डिस्कशन किया था फ्रॉम इंट्रोडक्शन टिल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल अबाउट न्यूट्रिशन इन एनिमल्स इन दिस वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट टॉपिक इज न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ऑल द एनिमल्स कैन बी डिवाइडेड इंटू थ्री टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फूड हैबिट्स। ठीक है, उनकी जो फूड की हैबिट है उसके अकॉर्डिंग क्या सारे एनिमल्स को तीन ग्रुप के अंदर डिवाइड करते हैं। फर्स्ट कौन से हैं? हर्बीवोर्स, जो सिर्फ प्लांट्स को ईट करते हैं, जैसे काउ, गोट, ऑक्स, शीप एक्सेट्रा। नेक्स्ट कार्निवोर्स, जो सिर्फ दूसरे एनिमल्स को ही ईट करते हैं, जैसे टाइगर, लॉयन, फ्रॉग, स्नेक एक्सेट्रा। थर्ड है आपका ओमनिवोर्स, जो क्या दोनों को ईट करते हैं, प्लांट को भी और अदर एनिमल्स को भी, जैसे कि मैन, कैट, क्रो, डॉग एक्सेट्रा। ठीक है, ये सब बातें आपको पहले छोटे क्लासेस के अंदर भी पता होगी। अब नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज डिफरेंट स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ठीक है, कोई भी एनिमल के अंदर अगर न्यूट्रिशन का प्रोसेस हो रहा है तो उसके अंदर क्या है, कुछ बेसिक स्टेप्स होते हैं जो हर किसी के अंदर क्या है, सिमिलर होते हैं। फर्स्ट स्टेप होगा इंजेशन। इंजेशन का मतलब है बॉडी के अंदर फूड को लेके जाना, प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इन टू द बॉडी। सेकेंड है डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब क्या है कि लार्ज इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल है, उनको ब्रेक एंड डाउन करना है, तोड़ना है छोटे छोटे वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मतलब जो डाइजेस्टेड फूड है वो क्या है, ब्लड स्ट्रीम से होता हुआ सारे बॉडी के अंदर जाएगा और वहां पे क्या है, एब्जॉर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ स्टेप है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या है, जो एब्जॉर्ब फूड पूरी बॉडी पार्ट्स के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा, उससे क्या है एनर्जी को लेना है और एनर्जी को यूज करना है किस चीज के लिए, बॉडी की ग्रोथ के लिए और सेल्स की रिपेयर के लिए या हमें एनर्जी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है इजेशन। इजेशन के अंदर क्या होता है, अनडाइजेस्टेड फूड है वो बॉडी से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये सब क्या है, बेसिक स्टेप्स हैं जो क्या है डिफरेंट एनिमल्स के अंदर होते हैं। सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूट्रिशन इन अमीबा। ठीक है, हम सबको पता है अमीबा क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है, होलोजॉइट। ठीक है, ये कई बार शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है आपके पेपर के अंदर कि व्हाट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा। सो यू हैव टू राइट द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा इज होलोजॉइट। ठीक है, होलोजॉइट क्या होता है ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बाय अमीबा इज कॉल्ड एज फेगोसाइटोसिस। ये भी इंपॉर्टेंट है कि वो कौन सा प्रोसेस होता है जिससे अमीबा अपना फूड ऑब्टेन करता है, वो होता है फेगोसाइटोसिस। ठीक है, इसके अंदर डिफरेंट स्टेप्स कौन से होते हैं, वही फर्स्ट स्टेप क्या होगा, इंजेशन होगा। इंजेशन मतलब फूड क्या है बॉडी के अंदर जन लेके जाना है। अमीबा इंजेस्ट फूड विद द हेल्प ऑफ फिंगर लाइक एक्सटेंशन कॉल्ड एज सूडोपोडिया। ये इंपॉर्टेंट है, देखो आपको डायग्राम के अंदर दिख भी रहा होगा, ये जो फिंगर लाइक जो आपके प्रोजेक्शंस हैं ये क्या है, सब सूडोपोडिया है। ये वाले देखो दिख रहा है ना, ये आपको अलग अलग बने हुए हैं, दिस आर द सूडोपोडिया। और ये क्या है, यहाँ पे फूड पार्टिकल्स है। व्हेन अ फूड पार्टिकल अप्रोचेस अमीबा, जब कोई भी पार्टिकल्स है फूड पार्टिकल वो अमीबा के पास आता है, इट फॉर्म्स सूडोपोडिया, तब ये क्या है सूडोपोडिया बना लेते हैं अराउंड इट एंड फॉर्म्स अ फूड वेक्यूल इनसाइड द अमीबा। और अमीबा के अंदर क्या है, फूड वेक्यूल बना लेते हैं। ठीक है, बाहर क्या बनाएंगे, सूडोपोडिया बनाएंगे फूड को बॉडी के अंदर लेने के लिए, और अंदर क्या बनाएंगे, फूड वेक्यूल, कि बाहर से जब हम जो फूड पार्टिकल्स इसको बॉडी के अंदर लेके जाएं तो अंदर लेके जाएंगे कहां पे, उसका घर कहां है, दैट इज फूड वेक्यूल। ठीक है, समझ में आया। फर्स्ट पार्ट है इंजेशन। इंजेशन के लिए क्या चाहिए, सूडोपोडिया चाहिए। एंड नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या है, सूडोपोडिया के हेल्प से जब बॉडी के अंदर आ जाएगा तो फूड स्टोर होके कहां रहेगा, इन द फूड वेक्यूल। ठीक है, इन द फर्स्ट डायग्राम यू सी अबाउट इंजेशन एंड इन दिस डायग्राम यू सी द फॉर्मेशन ऑफ फूड वेक्यूल। ठीक है, सूडोपोडिया फॉर्मिंग द फूड वेक्यूल। अब पता चल गया होगा फूड वेक्यूल क्या करते हैं, फूड को स्टोर करने का काम करते हैं इनसाइड अमीबा। सेकेंड स्टेप है इसमें डाइजेशन। डाइजेशन में क्या होता है, जो साइटोप्लाज्म में बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट है वो क्या करेंगे, फूड वेक्यूल को ब्रेक डाउन कर देंगे इसमें स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, थर्ड डायग्राम के अंदर आपको सीन भी हो रहा होगा, फूड एंड ग्लव्ड विद इन फूड वेक्यूल्स। ठीक है, अंदर आ चुका है फूड वेक्यूल के, यहाँ पे क्या डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स है जो इसको क्या कर देंगे, ब्रोकन डाउन कर देंगे इनटू द स्मॉल मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट में क्या होता है आगे मैं आपको बता देती हूँ। थर्ड स्टेप इज एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मतलब जो सिंपल सॉल्युबल फूड है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा साइटोप्लाज्म में, किससे, फूड वेक्यूल से, थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है एसिमिलेशन। इससे क्या, अब एनर्जी ऑब्टेन करनी है, अमीबा ऑब्टेन्स एनर्जी फ्रॉम द एब्जॉर्ब फूड थ्रू द
रेस्पिरेशन से, एंड इस एनर्जी को यूज करेगा किस चीज के लिए? ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी पार्ट्स के लिए. नेक्स्ट है इजेशन. इजेशन मतलब जो अनडाइजेस्टेड फूड है दैट इज रिमूव्ड आउट फ्रॉम द बॉडी. इसमें किसकी हेल्प से होता है? बाय रप्चरिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन. ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि अमीबा के अंदर कौन सा बॉडी पार्ट है जिससे इजेशन होता है. तो क्या लिखोगे आप? बाय रप्चरिंग इट्स सेल मेम्ब्रेन द लास्ट नंबर ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड रिमूव फ्रॉम द बॉडी ऑफ अमीबा बाय रप्चरिंग इट्स सेल मेम्ब्रेन. ठीक है, आई थिंक अब आपको न्यूट्रिशन इन अमीबा क्या है क्लियर हो गया होगा. अब आता है आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक. ठीक है, आज तक कोई भी 10th क्लास का सीबीएसई का ऐसा एग्जाम नहीं हुआ, फाइनल एग्जाम, जिसके अंदर क्या है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग से क्वेश्चन ना आया हो. ठीक है, तो ये टॉपिक क्या है, आपको कोई भी आपका किसी टाइप का, चाहे आपका एफिड टेस्ट हो, एसे हो, या आपका फाइनल एग्जामिनेशन हो, चाहे प्री बोर्ड हो, हर बार क्या इस टॉपिक में से क्वेश्चन आता ही आता है. तो आज हम ट्राई करेंगे कि ये वाला जो टॉपिक है ये हम क्या बिल्कुल अच्छे से आज ही याद करके हम रख लें फॉर थ्रू ऑल द ईयर. ठीक है, सारे साल के लिए आज हम इसको क्या है याद करके रख लेंगे. तो देखो, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग के अंदर वही स्टेप तो सब सेम होंगे. फर्स्ट स्टेप क्या था? इंजेशन. इंजेशन मतलब बॉडी के अंदर फूड लेके जाना. तो इसके अंदर आप एक याद रखो, आप खुद की आप बात कर रहे हो. ठीक है, ह्यूमन बींग की बात कर रहे हैं, तो हम खाना कैसे खाते हैं? मुंह से. ठीक है, थ्रू द हेल्प ऑफ माउथ ह्यूमन बींग इंजेस्ट फूड. ठीक है, मुंह के अंदर खाना चला गया. अब क्या है, ये एक टेबल की फॉर्म में बना रखा है मैंने. ये आपको क्या करना है, मतलब जब आप लिखोगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग तो उसके अंदर ये लिखना नहीं है साथ में, सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बता रखा है. ठीक है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर दो टाइप के पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट है एक एनिमल एलिमेंट्री कैनाल एंड सेकेंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स. ठीक है, इन दोनों के बिना क्या है डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अधूरा है या इनकम्प्लीट टाइप डाइजेस्टिव सिस्टम है. अब एलिमेंट्री कैनाल के अंदर पार्ट क्या है या ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर पार्ट क्या है, ये भी कई बार क्वेश्चन आ सकता है कि लिस्ट एनी फाइव पार्ट्स ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. तो आप क्या लिखोगे? माउथ, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एक्सेट्रा. ठीक है, ये सब चीजें क्या आपको लिखनी है, ये सब क्या एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट है. नेक्स्ट एसोसिएटेड ग्लैंड, कुछ ग्लैंड भी इसके साथ क्या एसोसिएटेड है. कौन सी? सलाइवरी ग्लैंड है, गैस्ट्रिक ग्लैंड है, लीवर है और पैनक्रियाज. ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है. ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर क्या है, एलिमेंट्री कैनाल होती है और एसोसिएटेड ग्लैंड होती है. ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम वो दो पार्ट में डिवाइडेड है. एलिमेंट्री कैनाल के क्या है, माउथ, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन पार्ट्स होते हैं. एसोसिएटेड ग्लैंड के एग्जाम्पल क्या है? सलाइवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, लीवर एंड पैनक्रियास. ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सेकेंड स्टेप क्या होता है न्यूट्रिशन में. ये मैं आपको एक बार ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम समझा देती हूँ. ठीक है, ये क्या है ओरल कैविटी, जो फूड है कहाँ से इनटेक करते हैं हम? माउथ से. ठीक है, माउथ से कहाँ से होता हुआ? ईसोफेगस से होता हुआ फूड कहाँ आएगा? स्टमक में. ठीक है, स्टमक के अंदर क्या है, एक तो लीवर ओपन हो रही है और एक यहाँ से क्या है पेनक्रियाज ओपन हो रही है. तो ये दोनों क्या अपने अपने सिक्रीशन डालेंगे जो स्टमक के अंदर फूड आया उसके पास. ठीक है, उसके बाद यहां से होता हुआ ये कहाँ पे जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन के पास. ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन से होता हुआ फिर ये कहाँ जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन के पास एंड देन आउट ऑफ द बॉडी. ठीक है, आपको डायग्राम भी अच्छे से आना चाहिए कि कौन सा पार्ट कहाँ पे. कई बार पेपर के अंदर क्या है डायग्राम दे देते हैं और आपको कहते हैं कि आप इनके अंदर जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनको क्या करो? लेबल करो. ठीक है, तो हमारा सेकेंड स्टेप क्या है? डाइजेशन. फर्स्ट स्टेप हमने पढ़ लिया था इंजेशन. इंजेशन किसकी हेल्प से होता है? माउथ की हेल्प से. सेकेंड है डाइजेशन. डाइजेशन होना कैसे स्टार्ट होता है देखते हैं. टीथ हेल्प इन फिजिकल डाइजेशन ऑफ फूड. ठीक है, मुंह में हम खाना रखते हैं उसके बाद क्या करते हैं? दांतों से चबाते हैं ना उसको, च्यू करते हैं उसको, ग्राइंड करते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, काट देते हैं उसको. नेक्स्ट है डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट फ्रॉम द माउथ. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा भी जाता है कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन है वो कहाँ से स्टार्ट होता है. बच्चों को क्या लगता है कि डाइजेशन है वो सारे सारे आगे स्टमक में होते होंगे तो चलो ठीक है, दे विल राइट स्टमक. बट द आंसर इज रॉन्ग एंड द आंसर इज द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट फ्रॉम द माउथ. ठीक है, अब कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कैसे होता है? माउथ के अंदर होती है सलाइवरी ग्लैंड. ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड क्या सिक्रीट करती है? सलाइवा. ठीक है, सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है उसका नाम है सलाइवरी एमाइलेज और टाइलिन. ठीक है, याद रहेगा माउथ के अंदर क्या होती है? सलाइवरी ग्लैंड होती है, वो सिक्रीट करती है सलाइवा को. सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है जिसका नाम है सलाइवरी एमाइलेज और टाइलिन. ठीक है, अब वो करता क्या है ये एंजाइम, स्लाइवरी एमाइलेज एंजाइम क्या करता है? ये करता है कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करता है. कार्बोहाइड्रेट का एक टाइप है स्टार्च. स्टार्च ये कॉम्प्लेक्स टाइप का कार्बोहाइड्रेट है, इसको ब्रोकन डाउन करना है सिंपल पार्ट में, दैट इज
माल्टोज शुगर में ब्रोक डाउन क्या है कर देता है, कौन स्लाइवरी अमाइलेज। ठीक है, आपको फर्स्ट स्टेप अच्छे से समझ में आ गया होगा कि डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स कैसे होता है। स्टार्च कन्वर्ट होता है किसके अंदर, माल्टोज के अंदर विद द हेल्प ऑफ एंजाइम स्लाइवरी अमाइलेज। ठीक है, अब उसके बाद देखो आगे क्या, माउथ ओपन इनटू द स्मॉल फनल शेप्ड एरिया कॉल्ड एज फेरिंक्स। हमने अभी डायग्राम के अंदर देखा था माउथ किस में ओपन होता है, फेरिंक्स में, विच लीड्स टू लॉन्ग ट्यूब कॉल्ड एज ईसोफेगस। और उसके बाद क्या है, एक लॉन्ग ट्यूब आती है जिसको बोलते हैं ईसोफेगस। देयर इज नो डाइजेशन ऑफ फूड, और वहां पे क्या है, कोई फूड का डाइजेशन नहीं होता। देखो ये माउथ है, माउथ ओपन कहाँ हो रहा है, फेरिंक्स में, फेरिंग से क्या है एक लॉन्ग ट्यूब आ रही है जिसका नाम क्या है ईसोफेगस। और यहां से इनका काम क्या होता है, माउथ के अंदर जितना डाइजेशन हो गया जो भी फूड है उसको क्या है सिर्फ स्टमक तक लेके आने का काम करती है ईसोफेगस। ठीक है, यहाँ पे बीच में कोई डाइजेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, नो डाइजेशन अकरिंग इन द ईसोफेगस, ये आपको याद भी रखना है। तो आगे देखते हैं इसमें, आप द वॉल ऑफ ईसोफेगस इज हाईली मस्क्यूलर। जो ईसोफेगस है, जो स्मॉल सी पाइप है, उसकी जो वॉल है वो क्या है, काफी मस्क्यूलर है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उनके जो वॉल्स हैं वो मस्क्यूलर हैं, तो वो क्या फंक्शन परफॉर्म करती हैं। व्हेन द स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड, स्लाइटली मतलब थोड़ा सा, स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड एंटर इन टू द ईसोफेगस, ईसोफेगस के अंदर जब स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड एंटर करता है, इट कॉज कॉन्ट्रेक्शन एंड एक्सपेंशन। कॉन्ट्रेक्शन मतलब ऐसे खुल जाना, और एक्सपेंड कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंड। ठीक है, ऐसे ऐसे रिदमिक मूवमेंट करती है ये, जिसके कारण क्या है, जो फूड है वो क्या है माउथ से होता हुआ ईसोफेगस की हेल्प से कहां आ जाता है, स्टमक में आ जाता है। ठीक है, समझ में आया, ईसोफेगस की क्या करता है, कोई डाइजेशन का काम नहीं करता है। ईसोफेगस में क्या होता है, पेरिस्टेटिक मूवमेंट होता है, जिसके कारण फूड है वो मूव करता है कहां पे, माउथ से होके स्टमक तक आता है। ठीक है, द वॉल ऑफ ईसोफेगस इज हाईली मस्क्यूलर, व्हेन द स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड एंटर द ईसोफेगस, इट कॉज कॉन्ट्रेक्शन एंड एक्सपेंशन विच इज नोन एज पेरिस्टेटिक मूवमेंट, बाय दिस मूवमेंट फूड मूव टुवर्ड्स द स्टमक। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया सबको, क्या फूड कहां अब तक पहुंच चुका है आपका स्टमक, तो फूड यहाँ पे क्या है पास थोड़ा सा है डाइजेस्ट हो चुका है सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, अब देखो स्टमक में क्या, स्टमक के पास क्या है, गैस्ट्रिक ग्लैंड है जो सिक्रेट करते हैं गैस्ट्रिक जूस को। ठीक है, माउथ के पास कौन सी ग्लैंड थी, स्लाइवरी ग्लैंड थी, और वो क्या सिक्रेट करती थी, स्लाइवा। ठीक है, स्टमक के पास कौन सी ग्लैंड है, गैस्ट्रिक ग्लैंड है, और क्या सिक्रेट करते हैं, गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, अब जूस है तो उसके अंदर क्या, बहुत सारी चीजों का मिक्सचर होगा, तो उसके पास क्या है, एक एंजाइम है पेप्सिन। ठीक है, पेप्सिन क्या करता है, जो प्रोटीन है उसको क्या कर देता है, ब्रोक डाउन कर देता है, उसको तोड़ने का काम करता है। ठीक है, डस पार्टियल डाइजेशन, ये क्या है, हाफ पार्टियल, जो पार्टियल का मतलब होता है हाफ। ठीक है, हाफ डाइजेशन का काम क्या है, कर देगा स्टमक के अंदर ही प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने का। ठीक है, जो आपके कार्बोहाइड्रेट्स है वो ब्रेक डाउन होने कहाँ स्टार्ट हो गए थे, माउथ में ही, और प्रोटीन कहाँ डाइजेस्ट होंगे, कहाँ पे ब्रेक डाउन होना स्टार्ट होंगे, स्टमक में। ठीक है, उसके बाद एक और चीज होती है जूस के अंदर, दैट इज HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, अगर इसके नाम पता चल रहा है ये क्या है, एसिडिक है, तो ये मीडियम को क्या बना देते हैं, एसिडिक मीडियम बना देते हैं। जब मीडियम एसिडिक है मतलब कि कुछ ऐसे पैथोजन या हार्मफुल कोई माइक्रोब्स हैं जो फूड की हेल्प से हमारी बॉडी के अंदर चले गए, तो उसको क्या कर देता है, किल कर देता है, मार देता है। ठीक है, ये रोल होता है किसका, HCl का, इन द ह्यूमन स्टमक या इन द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, नेक्स्ट है अब थर्ड है मक्कस। मक्कस क्या करता है, यहाँ पे है एसिडिक मीडियम। ठीक है, अब कई बार एसिड ज्यादा सिक्रीट हो जाए तो क्या है, जो स्टमक की वॉल है वो भी डैमेज हो सकती है, तो उसको बचाने के लिए क्या करता है, मकस क्या है, एक प्रोटेक्टिंग लाइनिंग है स्टमक के ऊपर। ठीक है, जैसे मैं बताती हूँ आपको, रुको, जैसे कि ये स्टमक है। ठीक है, ये स्टमक के बाहर क्या है, मकस की लाइनिंग है, प्रोटेक्टिंग लाइनिंग। अब कोई आपसे पूछे कि मकस क्या करता है, तो ये क्या कहोगे आप, इसको प्रोटेक्शन का काम करता है, किससे, एसिड से। ठीक है, स्टमक के, अब आपको पता चल गया होंगे स्टमक के अंदर क्या है, गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है जो सिक्रेट करती है गैस्ट्रिक जूस को। गैस्ट्रिक जूस के आगे क्या है, डिफरेंट कंपोनेंट्स है, पेप्सिन होता है उसके अंदर, HCl होता है, मकस होता है, इन तीनों के फंक्शन भी आपको क्या है पता चल गए होंगे। चलो अब आगे डिस्कस करते हैं, तो हमारा फूड है वो कहां तक आ गया था, स्टमक तक, है ना। अब स्टमक के आगे क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन सिर्फ नाम नाम में स्मॉल है, बट ये क्या है, लार्ज होती है, और लार्ज इंटेस्टाइन क्या है, नाम नाम की लार्ज है, बट वो होती क्या है, स्मॉल है। ठीक है,
अब देखो फूड स्टमक के बाद कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में. स्मॉल इंटेस्टाइन के पास क्या, खुद के तीन पार्ट हैं, ड्यूडेनम, ड्यूडेनम ये वाला पार्ट देखो, ये वाला पार्ट यहाँ तक, ये सब किसके अंदर आ रहा है, ड्यूडेनम के अंदर. ठीक है, तो अब ड्यूडेनम के पास क्या है, एक तो पैनक्रियाज ओपन हो रही है यहाँ से, और एक यहाँ से क्या है, लीवर और ये सब कुछ क्या है, ओपन हो रहे कहाँ पे, ड्यूडेनम. उसके बाद ये ड्यूडेनम कहाँ जा रही है, ये वाली मेम्ब्रेन आ गई, ये क्या है, जेजुनम नाम है इसका. ठीक है, और ड्यूडेनम जेजुनम, और उसके बाद इसके अंदर क्या आता है, एक और पार्ट है, दैट इज इलियम, ये वाला पार्ट. ठीक है, जब स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है तब तो उसका पार्ट कौन सा है, ड्यूडेनम, मिडिल पार्ट कौन सा है, जेजुनम, और लास्ट पार्ट कौन सा है, इलियम. ठीक है, इलियम के बाद फूड कहाँ है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर एंटर हो जाता है. ठीक है, यहां तक समझ में आ गया अब आपको. अब हम नोट्स में देखते हैं. देखो ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम आर द थ्री पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. ठीक है, कहां पे है पता चल गया. नाउ पार्टली डाइजेस्टेड फूड एंटर इनटू द ड्यूडेनम. अब सबसे पहले जो पार्टली डाइजेस्टेड फूड है स्टमक से होता हुआ कहां आएगा, स्टमक है यहाँ पे, यहाँ पे जितना काम होना था सब हो गया. अब फूड कहां जाएगा, इस पाइप से होता हुआ यहाँ पे ना, तो ये पार्ट है कौन सा, ड्यूडेनम. ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं आपका पेपर के अंदर भी. स्टमक के बाद जो फूड है वो पहले कौन से पार्ट के अंदर एंटर करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के, तो आप क्या कहोगे, इन द ड्यूडेनम पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. ठीक है, अब इसमें आगे क्या है, नाउ पार्टली डाइजेस्टेड फूड एंटर इनटू द ड्यूडेनम व्हिच रिसीव द सीक्रेशन ऑफ टू ग्लैंड, दैट इज लीवर एंड पैनक्रियास. ठीक है, ये क्या है, ड्यूडेनम. मैंने बताया था आपको इसके पास क्या है, दो ग्लैंड के सीक्रेशन आते हैं, एक तो पैनक्रियास भी यहां ओपन हो रही है, एक जो लीवर है ये भी क्या है यहाँ पे ओपन हो रहा है. ठीक है, तब लीवर और पैनक्रियास करते क्या है, चलो देखते हैं. लीवर क्या करता है, सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, आपको याद होना चाहिए. ठीक है, सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा ह्यूमन बॉडी में, दैट इज लीवर. ठीक है, इट मेक्स बाइल, ये क्या बनाता है, बाइल बनाता है, विच गेट स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर. ठीक है, ये देखो ये है लीवर. ठीक है, लीवर के अंदर ये छोटी सी पार्टीशन है, इसको क्या बोलते हैं, गॉल ब्लैडर. लीवर बना क्या रहा है, लीवर का काम क्या है, बाइल बनाता है. ठीक है, बाइल बनाने के बाद ये क्या है, गॉल ब्लैडर को दे देता है, भी तो अपने पास स्टोर करके रख, जब जरूरत होगी तब क्या है, बॉडी के अंदर डिस्चार्ज करती हूँ. ठीक है, नेक्स्ट है पैनक्रियास. पैनक्रियास क्या करता है, इट इज सिचुएटेड बिलो द स्टमक, इट सिक्रीट्स पैनक्रियाटिक जूस विच कंटेन मैनी एंजाइम. ठीक है, देखो अब हम बात करें पैनक्रियास की, पैनक्रियास कहाँ पे है, स्टमक के नीचे. इसके पास होते क्या है, पैनक्रियाटिक जूस, इसके नाम से पता चल जाएगा पैनक्रियास के पास क्या होते हैं, पैनक्रियाटिक जूस होते हैं. ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई सबको. अब देखो बाइल एंड पैनक्रियाटिक जूस थ्रू हेप्टो पैनक्रियाटिक डक्ट. ठीक है, ये दोनों क्या है, एक डक्ट में ओपन हो रहे हैं, और वहां से कहां पे जो इनका जूस है, जो भी बाइल और पैनक्रियाटिक जूस है, ये सब कहां जा रहा है, ड्यूडेनम के पास. ठीक, अब आप एक बार ये डायग्राम देखो, इसमें क्या है, मैंने अभी आपको क्या बताया कि लीवर क्या सिक्रेट करता है, बाइल, और पैनक्रियास क्या सिक्रेट करता है, पैनक्रियाटिक जूस. ठीक है, और दोनों एक डक्ट से होते हुए कहां पहुंच जाते हैं, ड्यूडेनम के पास. ठीक है, तो देखो ये जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, ये सब डक्ट है किसकी, लीवर की. तो ये लीवर की डक्ट है, ये कहां पे आ रही है, यहां पे लास्ट. ठीक है, और ये इधर ये जो पोर्शन दिख रहा है आपको डार्क पिंक से कलर का, ये किसका पार्ट है, पैनक्रियास का, और ये पैनक्रियास की क्या है, डक्ट है इसके अंदर, जो लाइट पिंक कलर की दिख रही है. ठीक है, ये लाइट कलर की पिंक, लाइट पिंक कलर की डक्ट यहाँ पे आई, और जो आपके डक्ट है लीवर की, ये दोनों भी यहाँ पे आए. यहाँ पे आने के बाद ये ओपन किसके अंदर हुए, इसके अंदर, दिस इज ड्यूडेनम. ठीक है, और इस डक्ट को बोलते क्या है, हेप्टो पैनक्रियाटिक डक्ट. ठीक है, आपको याद रखना है कि बाइल और पैनक्रियाटिक जूस जब ड्यूडेनम में जाते हैं तो कौन से डक्ट की हेल्प से जाते हैं, हेप्टो पैनक्रियाटिक डक्ट. ठीक है, अब आपको यहां तक समझ में आ गया कि हेप्टो पैनक्रियाटिक डक्ट भी हमने डायग्राम में देख ली, और जो आपका जो इन दोनों का सिक्रीशन है, बाइल और पैनक्रियाटिक जूस, कहां आ गया, ड्यूडेनम में आ गया. ठीक है, ड्यूडेनम क्या होता था, एक पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का. ठीक है, अब बाइल क्या करता है, बाइल ब्रेक डाउन फैट इंटू स्मॉलर पार्टिकल, दिस इज कॉल्ड एज इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट. ये भी क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका. ठीक है, बाइल क्या करता है, फैट के जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको छोटे छोटे में ब्रेक डाउन कर देता है, और इसी चीज को क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट. कैसे करता है, फैट को किसमें, बाइल के पास क्या एंजाइम है, एंजाइम का नाम है लाइपेज. ठीक है, ये कोई भी अगर फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, ब्रेक डाउन का कोई भी काम हो रहा है, वो किसी ना किसी एंजाइम की हेल्प से हो रही है, आप याद रखो. ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में कौन सा एंजाइम था, स्लाइवरी अमाइलेज,
प्रोटीन के अंदर क्या था, पेक्टिन, ठीक है, और अब फैट में क्या है, लाइपेज है ना। बाइल के अंदर क्या, लाइपेज एंजाइम है जो क्या कर रहा है, फैट को कन्वर्ट कर रहा है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के अंदर, ठीक है। अब देखो जो हमारे स्टार्च स्टार्टिंग में डाइजेशन हुआ था कार्बोहाइड्रेट का माउथ के अंदर, ठीक है, तब मैंने क्या कहा था, ये अभी हाफ डाइजेशन हुआ है, अभी ये बिल्कुल क्या है, फाइनल डाइजेशन इसको हम नहीं बोलेंगे, ठीक है, ये बिल्कुल आपकी लास्ट फॉर्म नहीं है, ठीक है। सबसे बड़ा पार्टिकल क्या था, स्टार्च, उसे थोड़ा सा छोटा हुआ ब्रेक डाउन होने के बाद माल्टोज, अब बिल्कुल फाइन पार्टिकल कौन सा है, ग्लूकोज, ठीक है। स्टार्च के पास क्या है, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन है, ठीक है, उसके बाद माल्टोज के पास क्या है, टू नंबर ऑफ कार्बन है, ग्लूकोज के पास क्या है, वन नंबर ऑफ कार्बन है, ठीक है, ये मैं आपको बता रही हूँ, एक्चुअली में इतना नहीं होता, एक्चुअली में इनका फॉर्मूला क्या अलग होता है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कहा, 1 2 3 4 बताया मैंने, ठीक है। तो माल्टोज कन्वर्ट होगा किसके अंदर, ग्लूकोज में, कौन से एंजाइम की हेल्प से, माल्टेज एंजाइम की हेल्प से, ठीक है। और अभी मैंने आपको पहले फैट का डाइजेशन बताया, ठीक है, उसके बाद मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट का बताया, और अब मैं आपको बताऊंगी प्रोटीन का। तो ये सारे काम हो कहाँ रहे हैं, ड्यूडेनम में, स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोटीन कन्वर्ट होगा किसमें, अमाइनो एसिड में, किस कौन से एंजाइम की हेल्प से, ट्रिप्सिन और कीमोट्रिप्सिन की हेल्प से, ठीक है। ट्रिप्सिन मतलब प्रोटीन से अमाइनो एसिड बनेगा तब ट्रिप्सिन, और अमाइनो एसिड से दोबारा से प्रोटीन बनेगा तब कीमोट्रिप्सिन, ठीक है। नेक्स्ट, मेजर पार्ट ऑफ डाइजेशन टेक्स प्लेस इन ड्यूडनम, आपको याद रखना है कि सबसे ज्यादा पार्ट ऑफ डाइजेशन किसमें होता है, ड्यूडनम, ठीक है। नो डाइजेशन टेक्स प्लेस इन जेजुनम, जेजुनम के अंदर कोई भी डाइजेशन है वो नहीं होता, हमने पढ़े थे तीन पार्ट है, सबसे ज्यादा डाइजेशन किसके अंदर होता है, ड्यूडनम के अंदर, जेजुनम के अंदर कोई डाइजेशन नहीं होता। नेक्स्ट है, फूड इज कम्प्लीटली डाइजेस्टेड इन इलियम पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, और फाइनली कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है, इलियम पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। इलियम के पास क्या होते हैं, इलियम इनर वॉल हैव मैनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज विलाई, ठीक है, उनके पास क्या होते हैं, बहुत सारे विलाई होती है इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। देखो आप डायग्राम में, ये देखो, ये देख रहे हो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऐसे, ये सब क्या है, विलाई है, ठीक है, स्मॉल फिंगर लाइक फोल्डिंग्स को क्या बोलते हैं, विलाई बोलते हैं, और इनके अंदर जो है उनको क्या बोलेंगे, माइक्रोविलाई, जो इनसे भी क्या है, छोटे हैं, ठीक है, समझ में आया यहां तक। इलियम के अंदर क्या होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, विलाई, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, विलाई फंक्शन क्या परफॉर्म करता है भाई, ठीक है, हम विलाई के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं। अब थर्ड स्टेप आ गया हमारा, फर्स्ट स्टेप था इंजेशन, खत्म हो गया, सेकेंड था हमारा डाइजेशन, खत्म हो गया, थर्ड है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के अंदर क्या करना है, जो डाइजेस्टेड फूड है उसको एब्जॉर्ब करना है, तो एब्जॉर्ब कौन करेगा, विलाई, विलाई इंक्रीज द सर्फेस एरिया इन साइड द इलियम फॉर ऑप्टिमम एब्जॉर्प्शन, ठीक है, कि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो सके, इसलिए उसके पास क्या है, विलाई है, जैसे कि आपकी उंगलियां हैं, ये सब आप इसको विलाई कंसिडर करो उंगलियों को, ठीक है। अब एक तो इस तरीके से हम हाथ रखें, एक को क्या हम ऐसे तरीके से कर देते, क्या सर्फेस एरिया इंक्रीज हो गया ना, तो क्या करते हैं, विलाई इंक्रीज कर देते सर्फेस एरिया को, कि ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन है वो यहाँ पे हो सके। नेक्स्ट है आपका एसिमिलेशन। अब एसिमिलेशन में क्या होता है, ब्लड के थ्रू जो सारा डाइजेस्टेड पार्ट है, जो भी फूड है आपका, वो सारे क्या बॉडी पार्ट्स में जाएगा, उससे उनको एनर्जी मिलेगी, उनकी बॉडी की ग्रोथ और रिपेयर होगी, ठीक है, ये काम है एसिमिलेशन का। देखो, ब्लड कैरीज डाइजेस्टेड फूड टू ऑल बॉडी पार्ट्स वेयर इट इज एसिमिलेटेड टू प्रोड्यूस एनर्जी एज वेल एज ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी, ठीक है। ब्लड क्या करता है, सारे फूड को, डाइजेस्टेड फूड को कहाँ लेके जाएगा, सारे बॉडी पार्ट्स में लेके जाएगा, जहां पे क्या होगा, वो एसिमिलेट होएगा, एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, किसके लिए, ग्रोथ के लिए और रिपेयर ऑफ बॉडी पार्ट्स के लिए। और हम क्या पहुंच रहे हैं अपने लास्ट स्टेप के ऊपर, दैट इज इजेशन। जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो क्या बॉडी से रिमूव हो जाएगा। अनडाइजेस्टेड फूड एंटर इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, हम स्मॉल इंटेस्टाइन तक हमने सारे काम पढ़ लिए थे, स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन पार्ट थे, उनके बारे में हम डिटेल से पढ़ चुके हैं, अब हम आगे लार्ज इंटेस्टाइन में। जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो कहाँ आ गया, अब लार्ज इंटेस्टाइन में आ गया, वेयर वाटर इज एब्जॉर्ब, जहां पे वाटर क्या है, एब्जॉर्ब हो रहा है, एंड द फूड बिकम्स सॉलिड। जब जो वाटर अनडाइजेस्टेड फूड है उसके अंदर से वाटर सारा बाहर निकल जाएगा, तो फूड क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा। नाउ दिस सॉलिड अनडाइजेस्टेड फूड एंटर इनटू द रेक्टम, ठीक है, फिर वो सॉलिड अनडाइजेस्टेड फूड कहाँ जाता है, रेक्टम के पास, एंड फ्रॉम वेयर इट इज एक्सपेल्ड आउट थ्रू द एनस, और यहां के बाद क्या होता है, ये बॉडी से बाहर निकल जाता। ये डायग्राम से भी समझ लो आप लोग, हमारा फूड की हमने कहाँ तक बात कर ली थी, भाई ये है ड्यूडनम, जेजुलम और इलियम, यहाँ तक की बात कर ली थी, ठीक है। यहाँ की ये सारी ओपनिंग है, सारे लेयर कहाँ ओपन हो रही है,
सिक्कम के अंदर, ठीक है। सिक्कम में फूड आया, उसके बाद ये क्या है, इसके अंदर सारा एब्जॉर्प्शन हो गया, वॉटर क्या है एब्जॉर्ब हो गया, फूड अब क्या हो गया सॉलिड बन गया, ठीक है। दो पार्ट होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के, सिक्कम और रेक्टम और कोलन भी, ठीक है, ये तीन पार्ट होते हैं मेन, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, ये फूड फाइनली सिकम से होता हुआ कोलन में जाएगा, कोलन से होता हुआ कहाँ जाएगा फाइनली रेक्टम में, ठीक है। और रेक्टम से उसके बाद क्या है, ये एनस के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाता है। ये है आपका प्रॉपर एक डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन अबाउट न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग, ठीक है। अब इतना होने के बाद क्या आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। दैट्स ऑल फॉर टूडे, आई होप यू हैव लर्न अ लॉट। If you enjoyed the video, then like it, share this with your friends and subscribe to Dream Knowledge for more fresh content. Thank you.